सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज शिप्रा गोयल एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस इन इंडिया। ये टॉपिक पे हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज अगर आप इस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। अगर आपके नीट में कम मार्क्स हैं तो भी आपको कन्फर्म्ड एडमिशन मिल सकती है। अगर आपके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो टॉप रैंकिंग मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल सकता है। तो अगर ट्यूशन फीस रेंज की बात करें तो 6 लाख पर ईयर से लेके 18 लाख पर ईयर के बीच में कॉलेजेस रहते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी में। एंड अगर टोटल बजट की बात करें, ट्यूशन हॉस्टल मेस एवरीथिंग इंक्लूडेड, देन आपका 40 लाख से लेके 1 ईयर तक का टोटल बजट रहेगा। अभी बात करते हैं नंबर 1, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये दिल्ली में है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, टॉप नियर फ्रैंकिंग कॉलेज है। सेकेंड येन्नप्पा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका स्टेट में आती है। थर्ड बात करें बिहार के कॉलेज की, कटिहार मेडिकल कॉलेज बिहार का टॉप मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी डिमांड है इस कॉलेज की। फोर्थ डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये हैदराबाद में लोकेटेड है, सीट्स 150 है, 14 लाख पर ईयर की ट्यूशन फीस है। एरस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये लखनऊ यूपी में सबसे अच्छा मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। 6 FH मेडिकल कॉलेज एंड आगरा, जो कि दिल्ली के काफ़ी पास पड़ता है। 7th हम अगर बात करते हैं तो इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च लखनऊ में लोकेटेड है, यूपी स्टेट की काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल लखनऊ उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है। 9th अल-अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर, यहाँ पे आप कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। कनचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर, अगेन कर्नाटका की काउंसलिंग से यहाँ पे अपन एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, फीस भी बहुत कम है। अल-फ़लाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद, हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग से यहाँ पे अपन एडमिशन ले सकते हैं। ख्वाजा बंदरवाल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस गुलबर्गा, कर्नाटका स्टेट से काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर VRK विमेंस मेडिकल कॉलेज अजीज नगर, ये तेलंगाना स्टेट में आता है। 14th इज योर अयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टीचिंग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अगेन तेलंगाना। शदान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर एंड टीचिंग हॉस्पिटल हैदराबाद में लोकेटेड है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज बिहार, सीट्स 150, 2019 में एस्टैब्लिश है, 3 साल पुराना कॉलेज है। फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कड़प्पा, जो कि आंध्र प्रदेश का कॉलेज है। निम्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयवाड़ा, अगेन आंध्र प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र की काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। ट्रेवनकोर मेडिकल कॉलेज कोलम, ये सारे अब केरला के मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे ट्यूशन फीस बहुत कम है। केरला में ट्यूशन फीस 6 लाख से स्टार्ट होती है। 21st इज योर अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। KMCT मेडिकल कॉलेज, जो कि कोझिकोड में लोकेटेड है, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, 2008 से एस्टैब्लिश्ड है। करुणा मेडिकल कॉलेज पालाकड़, अगेन केरला। अगर यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट की बात करें 2006 का एस्टैब्लिश है। अल अज़र मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2014 का मेडिकल कॉलेज है। कन्नूर मेडिकल कॉलेज केरला में है, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2006 में एस्टैब्लिश्ड है। MES अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज केरला, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें 2003। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नीट स्कोर पर इनमें से कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा क्लिनिकल एक्सपोजर वाइज, फी स्ट्रक्चर वाइज, एंड प्लस इनका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे ताकि आपको एडमिशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि आपने एडमिशन तो ले लिया, आपको अलॉटमेंट भी हो गया ऑनलाइन, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वहां पे अटक गए जिसकी वजह से आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है। तो जब भी हम MBBS एडमिशन की बात करते हैं तो हर सिंगल स्टेप आपको ध्यान में रखना है, डॉक्यूमेंटेशन से लेके काउंसलिंग से लेके सीट अलॉटमेंट। कोई भी आपको मेडिपीडिया की टीम से हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।
मेडिपीडिया के जो ऑफिस हैं दिल्ली में हैं, बैंगलोर में हैं, चंडीगढ़ में हैं, आप हमारे नियर बाई ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं. स्टे ट्यून विद मेडिपीडिया, सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल द नीट काउंसलिंग अपडेट्स, फी स्ट्रक्चर्स एंड देयर कट ऑफ्स.